आपको कैसी लगी हमारी दुल्हन और दुल्हा की फैमिली और दुल्हन दुल्हा से मुलाकात? मजा आया ना कितना? बहुत मजा आया, और मैं वो देख रहा था कि उनकी इतनी एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था, एंड आई जस्ट विश के वो आगे जाके भी एक्साइटमेंट लेवल रहे, वरना अक्सर लोगों का 2-4 महीने या 2-4 दिन या 2-4 साल का एक्सपीरियंस होगा। नहीं, मैं अरूज, मैं नहीं, माशाल्लाह खुदा करे कि अच्छा ही रहे, लेकिन वो शादी का कहते हैं कि करना और उसके एक्साइटमेंट लेवल, बिकॉज व्हेन यू आर यंग यू वांट टू गेट मैरिड, यू सी अदर पीपल कि उनकी एक फैमिली है और आप चाहते हैं शादी करना, लेकिन उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। कुछ शुरू में कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, शायद कुछ मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन जब वो एंड ऑफ द डे रिलेशन एक बनता है तो उससे खूबसूरत रिलेशन ही होता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। अब दूसरे जोड़े से आपकी मुलाकात करवानी है, मगर पहले हम दुल्हन और दुल्हन वालों से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये ए प्लस ने जो एक सिलसिला शुरू किया है, और माशाल्लाह आप इस जो है वो क्या कहते हैं, ये जो नहीं आप फारिग, वो कहते हैं ना एक फर्ज जो है जो आप अदा करेंगी, और आप आपको बड़ी ख्वाहिश, मैं आप चाहता हूँ आप शेयर करें हमारे साथ। अम्मा जी, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी कि बचपन से ख्वाहिश होती है ना माँ की कि बेटी का घर बस जाए, आपका भी आपकी भी ख्वाहिश होगी इसी तरह से? हमारी माँ की ख्वाहिश थी, माँ तो रही नहीं ना बाप रहा। सही। अब मैं बड़ी बहन हूँ, मेरी ख्वाहिश है ऐसी मेरी भैनों की शादी हो जावे। अच्छा, ए ताड़ी पहन है क्या? मेरी बहन। अच्छा, और ये सबसे छोटी बहन है? नहीं, इससे भी छोटी। अच्छा, इंशाल्लाह उनकी भी हो जाएगी, ए प्लस ही करवा देंगे, आप फिक्र ना करें। तो मुझे बताएं कि क्या ख्वाब होते हैं ना, कि आपका ख्वाब था और ख्वाब से बढ़कर एक जिम्मेदारी थी, कि अब जब ये जिम्मेदारी आपको लग रहा है कि एक बेड़ा जो है ए प्लस ने उठा लिया है और ये हो रहा है, तो क्या महसूस क्या होता है? खुशी हो रही है बेटा, गरीबों की मदद कर रहे, खुशी हो रही है। गरीब बच्चियां जेड़ियां बैठियां ने नहीं देतियां, सही, वो अपने घर चलिया जाएंगे, तो उससे केड़ी खुशी हो सकती। सही। आपको कैसा लग रहा है? गुलाम फातिमा, खुश हो? जिनसे शादी हो रही है वो उनसे कभी बात हुई, देखा? क्योंकि बहुत जरूरी होता है ना, हमारे यहाँ एक रिवाज ये है। अभी देख लिया, चलो शुक्र है निकाह से पहले देख लिया है। अच्छा हुआ ना, ये भी फायदा हो गया आज तो। क्या क्या सोचा है शादी के बारे में? हर हमेशा से सोच होती है ना कि आपकी शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो जैसा सिलसिला शुरू हुआ है कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दरखास्त है कि आप वहाँ पे जाके तशरीफ रखें, हम चाहेंगे कि अब हम जरा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। हमारी आज की दूसरी दुल्हन है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, शुक्रिया जी। अम्मा जी, बस दुआओं में याद रखना है आपने जी। आप दुल्हा साहब को बुला रही हैं? नहीं नहीं, आप बुलाएं, बिल्कुल जी, आप जी। उनके साथ भी कौन है मुझे ये भी बताएं। दुल्हे साहब, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे जरा आप तैयार हो जाएं। दुल्हन ने कहा है कि अगर तो पैसे तो मुश्किल हो जाएगा जी। इस वक्त हम बुलाने जा रहे हैं जो हमारे दुल्हा है, उनका नाम है खालिद महमूद, और उनके भाई हैं साद बशीर अहमद साहब। प्लीज तशरीफ लाइए, और दुल्हा की वालदा साहब हैं मेरी बीबी, आइए जी। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज देखी है, दुल्हन और दुल्हा की शक्लें बड़ी मिल रही हैं। कहते हैं कि शादी के 10 साल के बाद मिलती, इनकी तो पहली मिलती है, वो भी अगर मोहब्बत हो तो। तो ये कैसे हुआ? जी इंशाल्लाह ये मोहब्बत होनी ही चाहिए, है ना? शक्लें मिल गई तो मोहब्बत होनी ही चाहिए, मोहब्बत हो जाएगी जी, जी। तो पहले देखा था शादी से पहले? नहीं कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो आप ऐसे वो शरीफ और वो जिसे कहते हैं ना बड़े अच्छे बच्चे होते हैं माँ बाप के, जो कहते हैं अम्मा शादी मैंने आपकी मर्जी से करनी है, तो ये ऐसे ऐसे इन्होंने कहा था अम्मा तू मेरे लिए ढूंढ, तुसी मेरे लिए ढूंढो, ये लबो ऐसे कहा था जी। मैं आप ही ढूंढे, आपने आप कहाँ से मिली बहू आपको? बस अल्लाह ताला केसनदार शांते बैठ के जोड़ियां बना दे, बेशक। और माशाल्लाह इतनी प्यारी आपकी दुल्हन, इतने अच्छे लोग मुझे लग रहे हैं, शरीफ लोग, बहुत चाहने वाले, प्यार करने वाले। बस ये नहीं चाहते ऐसे जो अल्लाह पाक दीती है ना। ते मेनू एक दसो अम्मा जी, मेनू एक गल दस दियो, तुसी दाडी सस्त नहीं होगे? नहीं जी, पक्की गल है, पक्की गल है, देख लो जरा। मुंडे को लो पूछने, अम्मी डांटती है? नहीं नहीं, मुझे तो कभी नहीं डांटा। अच्छा अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ भाई, अगर किसी दिन अम्मा ने डांट दिया आपकी बेगम को, तो क्या क्या होगा फिर?
क्या होना है फिर, ये माँ है वो बेगम होगी। अच्छा तो क्या करूँगा, मजबूर हो के गली से बाहर चला जाऊँगा। और वो ये बड़ी, और ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये थोड़ा बहुत डांट भी सकती है, इनका राइट भी बनता है, किसी अच्छी बात से ही डांटेंगी। यहाँ पे जो हमारे देखने वाले हैं उनसे हमें थोड़ी छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरमद खुसट, आप देख रहे हैं प्यार प्लस, मेरे साथ है सुहा मलिक जी, और हम आए हैं आपके पास अब नया एक सेगमेंट लेके, क्योंकि हमसे पहले यहाँ पर मौजूद थे एहसन और रूज, और हमें उम्मीद है कि आपने उनके साथ बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम भागे नहीं है अभी तक। और वो दोनों यहीं पे थोड़ी देर बाद अभी आपके पास दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की जो ट्रांसमिशन है वो बहुत स्पेशल और ग्रैंड बनाई जाए आपके लिए। तो बहुत कुछ आपके लिए लाइनअप किया गया है, तो जहाँ हमारे को होस्ट जो के हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त एहसन और उरूज, वो अभी कुछ देर ब्रेक कर रहे हैं, चाय शाय पियेंगे, हम यहाँ पे कुछ देर आपसे मजीद गपशप लगाएंगे और अपने मजीद जो यहाँ पे दो जोड़े हैं जिनकी आज यहाँ पे निकाह की तकरीब हो रही है उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, और फिर साथ साथ आपको एक छोटा सा हम अपना आज का शेड्यूल इसलिए बताते चले ताकि लोग एक्साइट होते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि क्या क्या होने वाला है। तो आज जो बहुत से इवेंट्स हैं उसमें जनाब ढोलकी भी होगी, नाच गाना भी होगा, यहाँ पे हल्ला गुल्ला भी करेंगे, फूल आपको नजर आ रहे हैं, रंग नजर आ रहे हैं, गपशप लगेगी, सेलिब्रिटी से भी आपकी मुलाकात होगी, गिफ्ट गिविंग भी होगी जी, ऑफ कोर्स। और अभी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सबसे पहले लेडीज फर्स्ट दुल्हन और उनकी फैमिली से। तो जो हमारी आज की इस तीसरे जोड़े की जो दुल्हन है वो हमारी बहुत ही प्यारी सी आमना बशीर साहिबा हैं, उनके साथ उनकी वालदा हैं हमीदा बीबी साहिबा, और जो उनके मामू हैं उनके साथ आए हैं शौकत अली साहब, उनके वालिद यहाँ पे तशरीफ नहीं ला सके, उनकी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे, तो उनके हवाले से भी जरूर बातचीत करेंगे। तो हम बुलाते हैं हमारे आज के तीसरे जोड़े में से जो हमारी दुल्हन है आमना बशीर को। भाई आज तो खुशी का दिन है माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं आप, तो इसके अंदर उदास क्यों हुई है? एक अच्छी सी जिम्मेदारी जो है वो आज तुम्हारे अम्मा बाबा की पूरी होने जा रही है, और इंशाल्लाह तुम एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हसीन सफर शुरू करोगे जिंदगी का, क्योंकि हम सबकी दुआएं और जितने लोग तुम्हें देख रहे हैं उन सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो जब इतनी दुआओं में तुम्हारी रुखसती होगी तो एक जो नया सफर होगा आई एम श्योर वो खुशियों से भरपूर होगा। और एक माँ और एक माँ माँ साथ आपके यहाँ पे मौजूद है, तो उसमें तो मेरा ख्याल इतनी सरपरस्ती में इतनी शफकत में इंसान को बहुत सपोर्ट होती है। तो आपसे ही बात करेंगे, सबसे पहले हम ना बताइए, कुछ बोलें, कुछ बोल के बता दें मुझे जल्दी से, दुल्हन की आवाज़ सुनना चाहता हूँ मैं, कैसा महसूस करें? नर्वस होती हैं दुल्हन शादी वाले दिन? नर्वस वही भी है कभी? हम आपको अभी बिल्कुल दो मिनट में यहाँ पे आपसे गपशप ऐसी लगाएंगे कि आप बिल्कुल इजी महसूस करेंगे। कभी सोचा था आमना इस तरह होगा, इतने बड़े पैमाने पर शादी होगी, यूं आओगी, सब तुम्हें देखेंगे, खुशियों से तो हर दुल्हन का एक सफर शुरू होता है, मगर कभी सोचा था कि ऐसा जिंदगी में हो जाएगा भाई, सेलिब्रिटी बन जाओगी? अच्छा अभी भी नर्वस है मुझे, सबसे पहले अच्छा शेयर करते हैं हम, अच्छा मैं वैसे नॉट टू के वो मैं आपको कोई जताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने साइकोलॉजी में डिग्री की हुई है, तो मैं आज आपकी थोड़ी सी थेरेपी अगर इस वक्त करना चाहूँ तो मुझे इजाज़त देंगी? नर्वस क्यों है, फियर क्या है, खौफ क्या है इस वक्त आपके दिल में? थोड़ा सा ऊंचा जरा बोलें, ऊंचा बोलेंगी तो जरा जरा आवाज हल्लेदार, अभी से अगर हमने शौहर साहब को ये कन्वे कर दिया कि आप तो धीमी हैं और आवाज जो है वो हावी हो जाएंगे, तो वो देखें फिर मर्द हजरात तो मशहूर है ऊंचा बोलने, क्या खौफ है, क्या क्या जहन में क्या क्या हो रहा होता है इस वक्त शादी वाले दिन दुल्हन के जहन में? अच्छा देखें गलत आप जो कह रहे हैं ना वो डर के साथ साथ आपने जो है ना माझी को भी आपने परेशान कर दिया, आप क्यों, आप बताएं इमोशनल होने की जो एक क्या कहना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता है कुदरत ने जो माँ और बच्चे का बनाया है, तो एक माँ के लिए क्या लम्हा होता है जब वो अपना वो बच्चा जिसको उसने बचपन से लेके अब तक पाला होता है अब उसको भेज देती है एक और घर में? जिम्मेदारी तो पूरी हो रही है लेकिन जब आप अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलहदा करते हैं तो माँ के लिए वो कितना मुश्किल होता है, बड़ी टेंशन होती है, परेशानी होती है ना जब जुदा करते हैं बच्चों को, तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से यह काम बना हुआ, नहीं तो कोई भी नहीं कहता कि हम अपने बच्चों को माँ जी। आज क्या जज्बात है, इतने सालों की इतने लाडों से पाली हुई बेटी आपकी लाडो जो है आज निकाह हो जाएगा फिर रुखसती भी हो जाएगी, तो किस तरह क्या महसूस कर रही हैं? महसूस तो हो रहा बहुत ज्यादा के जुदा हो जाएगी। अच्छा कुछ बताएं आमना के बचपन के बारे में हमें, कैसा था इसका बचपन?
आमना का बचपन बहुत अच्छा था। कैसी बच्ची है आमना? बड़ी नचखट सी या कुछ? बहुत अच्छी बच्ची, खामोश सी, फरमा बरदार है, माँ बाप के वालद की खिदमत करती हैं, मैं भी करती हूँ उनकी, ये भी करती हैं। अच्छा आमना, अम्मा तो साथ हैं यहाँ पे, अब्बा के साथ आपके जो वालिद साहब हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप बताइएगा। वालिद साहब आपके अलील हैं, बीमार हैं, उनको कुछ तकलीफ है, उनकी माजूरी है किसी नौयत की? जी हाँ जी, टांगें ही नहीं काम करती। और ये मतलब आपके सामने हुआ या पहले से कोई? नहीं तो 4-5 साल हो गए। ओहो, ट्रेजेडी वीक हो गिरे हैं और उसके बाद फिर दोबारा हो गई। अच्छा, तो आमना अब ऐसा मौका होता है जहाँ पे बेटियाँ, सुना है कि बाप की ज्यादा लाडली होती हैं, बाप से ज्यादा अटैच्ड होती हैं, तो अब्बा नहीं है, अब्बा टीवी देख रहे होंगे, अब्बा से कोई बात तो करें इस वक्त। हाँ, ऊंचा बोले जरा, ये वाला कैमरा जो है इसमें देखेंगी, और माँ जी को खुश भी रहना है आपको, ये जो है ना आपने उनको भी सपोर्ट देना है। हाँ जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम भेजेंगे आमना को तैयार होने के लिए और मुलाकात करेंगे इनके दूल्हा साहब से हम यहाँ पे, और आपसे तो बात होती रहेगी, आप तो शाम तक हमारे साथ। ठीक है जनाब, आप देख रहे हैं ए प्लस से, ये हमारा एक स्पेशल ट्रांसमिशन, प्यार प्लस। तो अभी जनाब हमने हमारे जो तीसरे जोड़े हैं उनमें से जो दुल्हन थी उनसे आपकी मुलाकात करवाई, और अभी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दूल्हा साहब से भी, और साथ साथ हम आपको ये बताते चले कि बहुत से सेलिब्रिटीज जो हैं वो कुछ ही देर में हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, वो भी आपसे गपशप लगाएंगे, तो वो दुआएं, वो आपका प्यार, वो आपकी शफकत, आपकी पार्टिसिपेशन, वो भी साथ साथ जारी रहेगी हमारी इस बराए रास्त नशरियात में। और अभी जनाब हम बुलाते हैं हमारे जो तीसरे जोड़े के दूल्हा साहब हैं मोहम्मद इमरान साहब से। मोहम्मद इमरान साहब जो हैं वो हमारे एक तीसरे जोड़े के दूल्हा है ना जी हाँ। और इनके साथ जो है इनके फूफा साहब मोहम्मद सादिक साहब और इनकी बहन शबाना, वालिदैन जो है वो इनके वफात पा चुके हैं, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। तो इनसे बातचीत करते हैं आज के इस अहम दिन के हवाले से। तो जनाब दूल्हा साहब आए जी, तशरीफ लें इमरान साहब यहाँ। माशाल्लाह बड़ी प्यारी तैयार हुई है, बड़ी प्यारी लग रही है, कैसा लग रहा है? सोचा था अपने भाई के लिए इतना मजेदार तरीके से जो है भाभी घर में आएगी धूम धड़के से? तो आपने जुल्म करने की तैयारी पकड़ी ली भाभी के ऊपर है, मुझे बताएं? ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभार आएंगी, कुछ आपने प्लान बना लिए भाभी पे किस किस किस्म के मजालिम ढाने हैं आपने? अरे मैं जमाने चले गया, मुझे पक्का ना करें। नहीं नहीं, एक बड़ा ट्रिकी रिश्ता होता है ना, बड़ा वो जरा पेचीदा सा और मसालेदार नंद भावज का रिश्ता होता है। तो आपसे बात का सिलसिला हमने शुरू किया, बताएं वो बचपन से सुनते आए वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, ये बहन का एक बहुत ख्वाब होता है और बहनों के बड़े अरमान होते हैं, तो बताइए कैसा महसूस कर रही है इमरान साहब की शादी? और अरमान तो पूछ लीजिए, क्या क्या अरमान, क्या क्या मुझे बताएं? बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा अरमान है कि अब कुछ करूं अपने भाई की शादी के। तो देखिए आप बड़ी हैं इमरान से जी, और वालदैन अल्लाह ताला आपके उनको गरीब की रहमत करें, उनकी वफात हो चुकी है, तो बड़ी बहन जो होती है वो भी माँ की जगह ले लेती है, भाई जो होता है वो बाप की जगह ले लेता है ऐसी सिचुएशंस में। तो आपने इमरान के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा, लाडले भाई रहे हैं? बहुत अच्छा है, ख्याल करते हैं आपका? लाडू वाले भाई हैं या जरा लड्डू वाले हैं? मम्मी पापा के लाडले भाई हैं। तो अभी आपने ये सारा कुछ अरेंज किया, लड़की वालों से मुलाकात, वो आपने बातचीत की, बहन पे छोड़ दिया आपने सब कुछ, बाजी पे पूरा भरोसा था, इतबार है कि जिंदगी तबाह नहीं करेगी, अच्छी लड़की ढूंढ के लाएगी। अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो मैं इस वक्त इमरान साहब के चेहरे के ऊपर जो लालियां हैं वो जरा जो है, तो क्योंकि मौसम जो है वो सर्दी का जा चुका है, तो इस वक्त बनता तो नहीं है ना, हमने कोई हीटिंग ऑन की हुई यहाँ पे, जो अंदर से खुशियों की लालियां फूट फूट के आ रही है इमरान साहब, और बड़ा मजा आ रहा है मुझे इस वक्त देखने की। थोड़ी देर पहले यहीं पे हमारे साथ आमना बैठी हुई थी, तो वो खासी परेशान थी, और आपकी तो माशाल्लाह स्माइल नहीं रोक रही आमना, इज अ लकी गर्ल। क्या करते हैं? गुड कंट्रास्ट। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, तो अब आदमियों को तो मेरे ख्याल कोई झिझक नहीं होती, बता दिए उम्र कितनी है आपकी? हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी? 24। अच्छा, 24 तो बहुत छोटी उम्र होती है वैसे शादी करने के लिए, हैं? माजी आप बताएं। अच्छा, एक वो पुराने जमाने की कहानियों में भी होता था और खानदानों में भी होता है, जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है ना, बीच में कोई दो कोई खालू फूफा टाइप के कैरेक्टर होता है जो कहते हैं कुछ कम जड़ा ना ठीक नहीं हो। तो मैं जो जरा बीच में बोला आज खालू बना हुआ यहाँ पे, तो मुझे बताए कि 24 साल माशाल्लाह यंग एज होती है, तो शादी करने का मतलब अभी से कुछ प्लान किया हुआ था कि मैं इस एज में शादी करूंगा या जल्दी हो रही है?
थोड़ा सा ऊंचा बोले, वहां पे आमना भी बैठी हुई थी तो उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, हमें बार बार पीछे से चूंकि बराह रास्त जा रही है ट्रांसमिशन, तो हमें डायरेक्शन आई, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, ठीक हो रही है, सही टाइम पे हो रही है शादी, बिल्कुल। तो आपकी मुलाकात हम कराने लगे हैं जो हमारी आज की दुल्हन है और एक और दुल्हन से, और वो है जनाब जो हमारी दुल्हन, उनका नाम है साजिदा, उनकी वालदा साहिबा का नाम है नजीरा बीबी, और उनकी बहनों ही जावेद इकबाल साहब यहाँ पे उन्हें अकंपनी कर रहे हैं, तो हम उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में और बुलाते हैं। प्लीज जनाब दुल्हन साहिबा, बामा बहनोई साहब और वालदा। जावेद भाई, बहन के वालिद हयात नहीं है जी, और आप सरपरस्ती कर रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनके वालिद साहब की जगह पे यहाँ पे मौजूद हैं जी, अम्मा साथ हैं। बहन कैसा महसूस कर रही है आज हमारी? अच्छा महसूस कर रही है। अच्छा, अच्छा फील कर रहे हो? घबराहट क्यों होती है मुझे बताओ, परेशानी क्यों होती? नहीं पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि खास तौर पे क्या सोच रही होती हो, दुख ज्यादा हो रहा होता है या खौफ ज्यादा लग रहा होता है? दुख किस चीज का होता है ज्यादा, दुख किस चीज का? घर की बात बताओ, आपने अपने घर में सबसे ज्यादा अम्मी के करीब हो जी, अम्मी। और बहन भाई छोटे बड़े? कितने बहन भाई हैं? सब बड़े हैं। सब बड़े हैं? कितने? आप सबसे छोटी हो? पांच। और बहनें कितनी, भाई कितने? चार बहनें और पांच भाई। चार बहनें और पांच भाई, तो सबकी शादी हो चुकी है, सिर्फ आप रह गए थे। तो ये छोटा तो बड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, सबसे छोटा होता है वो तो सबका लाडू होता है। माशाल्लाह हम भी बहुत सारे बहन भाई, और हमारी जो छोटी है वो हम सबकी बहुत लाडली है, तो जो लाडली होती है उसके तो जाने का भी माँ जी दुख सबसे ज्यादा होता है। सही है, चलो तो फिर ठीक है, फिर हम अपने कार भी तो जाना अपने कार भी ये अच्छा बहुत ही वो क्या कहना चाहिए, किताबी सी और पुरानी सी बात करूंगा, लेकिन अपनी बहन से ये जरूर पूछूंगा कि ये अपना घर जो होता है वो आपको क्या फीलिंग आती है कि जब एक माँ बाप के घर छोड़ रहे होते हो, तो वो जिस घर को बार बार कहा जा रहा होता है कि वो आपका घर है और उस घर में जाना है आपने, तो उस घर के बारे में क्या सोचती हैं लड़कियाँ? कोई ख्वाब होते हैं ना, सपने होते हैं हर लड़की के शुरू से, शादी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं इंसान के जहन में, हम सब लड़कियां हैं जानती हैं इस बात को। क्या है तुम्हारे जहन में, क्या है शादी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोचती हो? कुछ नहीं, बस जिधर जाऊँ वो अच्छे हों, घर वाले अच्छे हों, अच्छा काम करे मेरे साथ। जावेद भाई, अब आप लोगों की मुलाकात उनसे, दूल्हा साहब से और उनके घर वालों से हुई, आप लोगों ने खुद अपने तौर पे किया डिसाइड ये सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, बात ये है कि ये मेरी माँ जी हैं और दूल्हा की जो माँ जी, ये दोनों बहनें हैं। अच्छा, खानदान में जी? खानदान में ही, इसीलिए। चले जी, वो तो खाला को भी पंजाबी में हम क्या कहते हैं, मासी, तो जो वो खाला होती है वो तो माँ जैसी होती है। खाला के साथ भी अटैच्ड हैं? आपकी खाला के साथ कैसा है भाई प्यार मोहब्बत का सिलसिला? अच्छी वाली खाला है? हाँ जी, अच्छी वाली है, बहुत अच्छी वाली। हाँ जी, बहुत। तो बस थोड़ी देर में हम अब्दुल्ला साहब से मुलाकात करें, तो आप लोगों को इजाजत देते हैं, आप लोग वहाँ पे बैठिएगा और हम बुलाते हैं हमारे दूल्हा साहब को। आइएगा जी प्लीज, आपके मामू और आपकी अम्मी आपके साथ है। माजिद कहाँ से आए आप लोग? हम आए बैंक स्टाफ से, लाहौर में। लाहौर में होते माजिद, अभी तक सुबह से हमारी मुलाकात सबसे हुई, लेकिन कुछ खुश लिबासी आपकी जो है ना वो कुछ अलहदा ही नजर आ रही है। नहीं, वो आज ऐसा हुआ हमारे साथ, धोखा सा हो गया, वो दर्जी था ना उसे हमने सूट दिया हुआ था, तो वो शादी में चला गया, उसने दुकान ही बंद कर दी। इससे भी अच्छा सूट था वो इससे भी ज्यादा अच्छा। अरे वाह, नहीं नहीं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वही कि आज जो एक खास बात है कि फनकार जो होता है वो फनकार होता है, तो जो हमारा भाई है वो कारीगर है जनाब शदीद, तो वो जो फनकारी है वो आपकी पर्सनैलिटी में नजर आ रही है, लकड़ी का काम करते हैं जी, बिल्कुल है ना। कुछ हमें पता चला, हल्की सी रंजिशें थी जो खत्म हो रही है, तो ये तो दोनों बच्चे बड़े, वो क्या कहना चाहिए, मुबारक बच्चे हैं आप लोगों के लिए कि इन्होंने वो सब जो आपकी रंजिशें थी, आपस की यह दूरी फासला था वो खत्म हो रहा है, तो इसके बारे में कैसा महसूस? नजदीक हो गए हैं और नजदीक हो गए हैं, अल्लाह ताला की रहमत है। बस माँ जी, अब वो पुरानी बातें याद नहीं करनी, अब जिस खुशी से दुल्हन को रुखसत करके लेके जा रही है बेटी समझ के उसको बहुत सुख देना। मामा जी आप बताइए, बताइए ना कुछ शिकायतें इनकी, बताएं जरा, हम वार्निंग कैसे दें, कैसे बच्चे थे बचपन में, नटखट से कैसे थे? अथरासी ओए होए, शरारती नहीं थी कि नहीं? शरारती नहीं थी इतना, अंधा नहीं थी? नहीं। तो अब अथरापन तो कम करना पड़ेगा। एक लतीफा भी है ना, वो एक चूहा जा रहा होता है, उसको एक शेर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहता है मुझे आराम से बात करो, मैं भी शेर हूँ, कहते हैं मेरी शादी हो गई, पहले मैं भी शेर होता।
तो कोई बात नहीं, तो बहुत से शेर जो है वो चूहे बन जाते हैं और बहुत सी जो चूहिया है वो भेड़िया बन जाती है, मैंने सुना है। हां माशाल्लाह बड़ा हसीन हो गया, बड़ा हसीन हो गया माशाल्लाह। देखिए वो तो नहीं, मां को तो अपने बच्चे की कहानी सुनानी है ना, बचपन दी तुसा पूछा ना बचपन दी, मैं छोटा सा बच्चा जहर ही शैतान ही हुंदा है। हम चारों मेजबान यहाँ पे आपकी मेजबानी के लिए मौजूद हैं, दूल्हा दुल्हन तैयार होने के लिए जा चुके हैं, इन दोनों को हम भेजने लगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं ए प्लस पे प्यार प्लस। वेलकम वेलकम कामरान मुजाहिद एंड मिसेस कामरान मुजाहिद। पहले मेहमान आए घर में, हमारे शादी और हमारे पहले मेहमान आए। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? आपको पता है ऐसे को मैं बताना चाहूंगी और जितने हमारे देखने वाले हैं मैं बताना चाहूंगी, आज के दिन इनकी शादी भी हुई थी माशाल्लाह। कैसे हैं जनाब और आज का दिन कैसे गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और बहुत मजे का दिन गुजर रहा है। खैर आप बताएं कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। कैसे लाइफ पार्टनर है आप तो छोड़े, आप ये कामरान कैसे? देखें ऐसी एक बात है, मतलब अरूज के शो में जो भी आता है ना वो सच बहुत बोलता है, तो हमें पता है ही इज अ वेरी गुड एक्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे। और लेकिन आज ही मेरा शो नहीं, आज हमारा शो। और एटीट्यूड कामरान का अदरवाइज भी बहुत अच्छा है, और छोटी मोटी गलती तो अरूज सब में होती है ना, तो एक मैं वैसे पूछ रहा हूँ एज अ हस्बैंड कैसे? बहुत अच्छे हैं। अच्छा बस खत्म बात। हाँ जी। मतलब डिटेल पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ। ये सही डिटेल में क्या नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं पॉजिटिव। अच्छा नेगेटिव है, बता दे मजा आ जाए। नेगेटिव तो हर इंसान ही होती है। बिल्कुल है, जरूरी है। और वो बातें पहले बता, कुछ भी जो आपके दिल कह रहा है बताएं। जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज है वो गुस्सा। कामरान गुस्सा जो है ना उसे कंट्रोल किया कर यार, बड़ी कोशिश करता हूँ भाई। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये जो मैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आदमी एक होते हैं ना, मतलब मेल जो जेंडर है उनको वैसे ही गुस्सा थोड़ा सा जल्दी और ज्यादा ऑब्वियसली इनको देर से आता है। अच्छा और जब आता तो मैं जाता नहीं है, वो होता ही है ना कि काफी चीजें इकट्ठी होती रहती है। हाँ फिर आप बर्दाश्त करते रहते हैं। बर्दाश्त करते रिलेटेड मैं जरा बात करूंगी, जरा डिटेल टॉपिक है इस वक्त। मैं चाहूंगी आपको पता है ना कितनी हैपनिंग हो रही है इस वक्त, ए प्लस फैमिली के अंदर शादियां हो रही है, निकाह हो रहे हैं, चार मेकअप रूम में मेकअप वाले काम कर रहे हैं, ढोलकी बजाने वाले यहाँ बैठे हुए, हम अपना काम, हम मेजबान हैं, हम इन शादियों के हम अपना काम कर रहे हैं। हम थोड़ी सी झलक आपको दिखाना चाहते हैं जो इस वक्त मेकअप देखिए, जो इस वक्त में हमारी दुल्हनें तैयार हो रही हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मरहला होता है जो शादी होती है, सबसे अहम मरहला होता है कि दुल्हन का खूबसूरत लगना। बिकॉज बिल्कुल ये अब दुल्हन, अच्छा दुल्हन को खूबसूरत तो लगना ही होता है। हाँ। दूल्हे ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं आजकल, वैसे आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया। आपने की थी? हाँ मैंने की थी कोशिश, लेकिन क्योंकि बड़ा लंबा सफर था। हाँ। तो वो इतनी कोशिश नहीं की गई, लेकिन वलीमे पे पूरी कोशिश की। अच्छा कामरान क्योंकि हम तो शोबिज़ से, मतलब जब टेलीविजन में बैठते हैं ना, आप देख रहे हैं दूसरी दुल्हन भी तैयार हो रही है। अरूज हम लोग मेल मेकअप तो वैसे ड्रामा और उसमें होता रहता है, लेकिन मैंने जब सैलॉन्स के बाहर लिखा हुआ देखा दुल्हा मेकअप, मैं हैरान हो गया कि दुल्हा मेकअप क्या होता है भाई। एक सेकंड। अच्छा भाई ये जो हमारे बैठे हुए सारे लोग अब ये सोच लें कि खवातीन जो हमारी लड़कियां हैं उनका तो मेकअप हो गया, ये दूल्हा मेकअप एक नया खर्चा शुरू हो गया, मसला क्रिएट कर दिया। चले चले मेरी शादी को तो माशाल्लाह से 7 साल हो गए। अच्छा ठीक है, एहसन की शादी तो अभी हुई है, आप 4 साल हुए इनके, जूनियर है ना शादी में जूनियर। अच्छा आप बताए ना कि आपके जो दूल्हा थे हस्बैंड हैं, अच्छा वो उन्होंने सही वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो उनसे मुलाकात हुई थी। खैर उन्होंने किया था मेकअप?
नहीं नहीं वो तो बल्कि कभी कोई इंटरव्यू के लिए आ जाए ना तो वो जरा सा उनको कोई करे कि जी सर पफिंग हो गई तो इजी चढ़ते हो जरूर लो। अच्छा आपने कितना किया था? बिल्कुल मैं यही तो बता रहा हूँ कि शोबिज में हम लोग होते हैं तो हम लोग स्क्रीन के ऊपर मेकअप वेकअप करते हैं थोड़ा बहुत जो भी होता है प्यारा तो है मेरा भाई। अच्छा लेकिन होता पता है क्या है वो जब आम लाइफ में अगर आप लोग मेकअप कर रहे थे ना कोई तो वो बड़ा ऑड लग रहा था यार अब लोग कैमरे के लिए तो मेकअप होता है लेकिन आम जिंदगी मुझे समझ आती है कि मेल मेकअप कोई चीज है क्या ख्याल है? हां बिल्कुल आपका ख्याल है दूल्हा मेकअप फेशियल और चीजें। अच्छा एनीहाउ ये कामरान ये जो एक इवेंट ए प्लस के उससे प्लेटफॉर्म से हो रहा है ये पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह का इवेंट किसी और चैनल पर नहीं हुआ। आई स्पेशली केम फ्रॉम कराची अरूज से बात ही अरूज ने मुझे बताया कि जब ये चीज हो रही तो मैंने अरूज को फौरन से बोला कि अरूज आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। मैंने इसको रिक्वेस्ट की मैंने कहा अगर आप आ जाओ तो इट वुड बी ग्रेट। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो ए प्लस पे चल रहा है ये प्यार का सिलसिला नहीं प्यार का सिलसिला नहीं ये जो है शादी का सिलसिला जो चल रहा है ये हाँ वो प्यार तो क्या ये सचमुच होता है प्रोग्राम का नाम जो है वो मतलब हाँ जी तो वो क्या सचमुच होता है? तो फिर मैंने उनको बताया कि जो ये सचमुच होता है लोग यकीन नहीं करते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप स्क्रीन पे वैसे तो लोग हेल्प करते रहते हैं हर जगह पे आप अपने तौर पे करती हैं ऐसा अपने तौर पे मैं अपने तौर पे करता हूँ लेकिन एक स्क्रीन पे लागे इस चीज़ को करना कि जैसे दूसरे लोग जो हैं जिनके ज़मीर सोए हुए हैं ताकि उनके ज़मीर जागे ताकि आप अगर इतने पैसे कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ पैसे अगर आप कोशिश करें कि जो हकदार है उस पर खर्च कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और टाइम्स ये होता है कि अब जैसे हमने कहा ज़मीर सोए हुए हैं हो सकते हैं कि कोई इनिशिएटिव लेना ना चाह रहे या आइडिया ना हो लेकिन एटलीस्ट इस प्रोग्राम के बाद बहुत से लोगों को आइडिया आया कि चलें अगर वो शादी ए प्लस करा रहे हैं बाकी लोग और बहुत से काम कर सकते हैं जिनमें हजारों चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आई थिंक एवरी चैनल शुड स्टार्ट डूइंग दिस। एग्जैक्टली लेकर चलते हैं बाहर देखते हैं बग्गी के ऊपर हमारे और कौन से मेहमान आए हैं। जी जरा कैमरा घुमाएं बग्गी की तरफ ये जी आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मजे का डिफरेंस है ना सारा कुछ तो क्या करना है यहाँ पे बैठने या वहाँ पे बैठ के गाने गाएं? वहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे। मैं सनम मैं एक बात करना चाहता हूँ अनेर ये अब सब लोग सुन रहे हैं मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। एक अभी मैंने मेकअप रूम में भी रिक्वेस्ट की थी एक हमारा प्लेयर बल्कि सरमद भी यहाँ पे सरमद ने डायरेक्ट किया पानी जैसा प्यार उसके दो लफ्ज अगर आप गुनगुना दें पहले कुछ भी शुरू करने से। और क्योंकि प्यार का दिन है आज मोहब्बतों का दिन है तो हम चाहते हैं कि मोहब्बत का पैगाम जो है और जो आपके गाने के अंदर डिस्क्रिप्शन है मोहब्बत की वो लोगों तक जरूर जाए प्यार। ये वकार साहब ने बनाया है इस साउंड को पानी जैसा प्यार पानी जैसा प्यार है तेरा पीना पड़ जाता है आंसू धीरे धीरे सावन आए जाए बुझे ना मन के प्यास कच्चा एतबार कच्चा एतबार है तेरा। वेरी नाइस क्या इंटरनेशनल आवाज है कहीं होगी ऐसी आवाज वी आर सो ब्लेस्ड ये आवाज हमारी है माशाल्लाह। चलो अब आप हम आपको हां मेरा ख्याल है ढोलक बल्कि आज मेरा ख्याल है लड़कियां तो उधर ही अच्छी लगती हैं लड़कियां अच्छा लगता है लड़के भी अच्छे लगते हैं। ओ लाला वाले आ साया ओ शाना वाले आ साया लाला वाले आ साया ओ शाना वाले आ साया मैं दम भरिया भरिया ओ तेरे नौ दा साया ओ लाला वखरी वखरी ढेरी था था साया लाला वखरी वखरी ये ढेरी था था साया से न जोगी
देखें जी घर में ढोलक बज रही है। अस्सलाम वालेकुम मोमर, हाउ आर यू? The super director and the super hero of Pakistan. Thank you. Have a seat. Thank you. Welcome, welcome जी हमारी घर की शादी के ऊपर आप आए प्लीज आप भी आपके घर की शादी बिल्कुल ए प्लस हमारा घर है और उस घर की शादी है तो फिर हमारे घर की शादी कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच कि आप भी आए मोमर। थैंक यू सो मच यू टुक आउट योर प्रेशियस टाइम एंड फॉर दिस कॉज डेफिनेटली इट्स अ बिग कॉज एंड आई थिंक हमारी आज शूटिंग थी एक्चुअली मेरी और नूर साहब की तो मैं नूर साहब से भी बात की तो नूर साहब ने उस वक्त शूटिंग अपनी कैंसिल कर ली फॉर दिस कॉज। कितनी बड़ी बात है। या सो we are here, we have joined you. Thank you so much. Thank you, thank you. Noor sahab, आप क्या कहना चाहेंगे इस event के बारे में? ये देखिए मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा रिवाज पड़ रहा है और इस तरह अगर हम करना शुरू करें तो बहुत सारे लोगों के बहुत बड़ी हेल्प होगी और हमें करनी चाहिए सबको मिलके। और अगर ए प्लस ने इसको कैरी किया है तो हम लोग ए प्लस के साथ हैं जितने भी लोग हैं और कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं जो हम यहाँ करना भी चाहेंगे और लेना भी चाहेंगे लेटर ऑन। अभी तो सिलसिले शुरू हुए अभी तो शुरू हुआ तो और जैसा कि मैंने हमेशा नोट किया कि लाइक पीपल लाइक सैयद नूर साहब मोहम्मद राना एंड एवरीवन लॉट ऑफ अदर एक्टर्स जब भी किसी इनको मौका मिलता है बात करने का दे फील अ लॉट फॉर देयर कंट्री पाकिस्तान के लिए अपने मीडिया के लिए अपने शोबिज के लोगों के लिए ये लोग बहुत फील करते हैं। तो मुझे ये लगता है चैनल्स की बहुत जिम्मेदारी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे अब ये एक काम कर रहे हैं इस तरह से और बहुत से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए। जो अभी आपने बात की पाकिस्तान और हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो उन हमारी फिल्म इंडस्ट्री जितने टेक्नीशियंस हैं जितने लोग हैं मतलब मैं अगर अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है मोहम्मद राना नाम दिया तो उन सबका बहुत बड़ा हाथ है पीछे। बिल्कुल नो डाउट नो डाउट। हम एक चीज भूल गए सनम बैठी हुई हमारे साथ सनम मारवी जी जबरदस्त सिंगर हमारी पाकिस्तान की। हां जी हां बिल्कुल। और सनम कह रही थी मेहमान आएंगे तो मैं कुछ बहुत अच्छा गाती सुनाऊंगी। तो सनम आप क्या सुनाना चाहेंगी हमारे स्पेशल गेस्ट को? जी 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 नहीं 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 आप प्लीज वो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं आप सुनाइए जी ढोलकी बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों चार दिन प्यार और अब बड़ी लंबी चारों कपल्स का साथ हमेशा रहे जुदाई है चार दिनों का ना चार दिनों का। वेरी मच आप दोनों यहाँ पे आए। आप दोनों को बुलाने के पीछे दो फायदे हैं। अच्छा। एक तो मतलब वैलेंटाइन्स के ऊपर लोगों को बहुत जरूरत होती है आइडियाज की क्रिएटिव आइडियाज रिगार्डिंग व्हाट टू वेयर हाउ टू वेयर। दूसरा हमें ये जो एक नए नवेली शादी होती है खासी नई नवेली है मतलब कुछ 6 साल हो गए। अच्छा मुझे लेटली व्हेन डिड यू गाइस हैव योर फर्स्ट चाइल्ड?
तो मेरे हिसाब से जब आप बिल भरना शुरू कर देते हो गई है साथ वो आपको फूल देने के लिए खुश होते हैं कि दिल में कहते हैं कि फिर पसूड़ी कोई बिल्कुल जी सो आई एम नॉट एज रोमांटिक बट आईड लाइक टू थिंक आई एम लेकिन आई थिंक मून जी इज मोर मतलब जो जो कहते हैं कि मतलब प्यार जो है वो इर्द-गिर्द आपके होता है यानी लव इज इन द एयर टाइप मोमेंट्स जो होते हैं वो शादी के बाद वो क्लाउड्स जो होते हैं वो कब छटना शुरू होते हैं When you spend too much time together, जब आप एक दूसरे के सर पे चढ़े रहे ना, फिर obviously वो एक, you know, you take it for granted human nature, के like बच्चे take their parents for granted and we take our, you know, siblings for granted, ये तो हैं ही हैं। I think जिन marriages में थोड़ा बहुत distance, so for example, I used to travel a lot when I was a banker, अभी भी or most of my businesses is in Bhawalpur and Multan. Right. I travel a lot, so उससे काफी एक वो रहती है. बनी रहती है. कशिश बनी रहती है. Relationship. शुरू में दिल करता है कि कहीं ना जाओ बस हर वक्त घर पे बैठे रहो कटे time गुजारते रहो. But I think because I'm also busy. मैं भी काम करती हूँ. He's also busy. So I think whenever we meet. So जितना भी time मिलता है वो quality time. Exactly. हमारे दो बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यारे से और बहुत ही एक उनमें से खासी चुलबुली सी हैं उनसे चुलबुलेपन के हवाले से कुछ बातचीत होगी दूसरी का जरा जो ज्यादा जिंदगी में एंडेवर है वो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक है तो उनसे कुछ ज्वेलरी डिजाइनिंग के हवाले से बात होगी तो हमारे साथ जनाब यहाँ पे अब आने लगे हैं दो अदद मेहमान एक है शफक हबीब हु इज अ ग्रेट ज्वेलरी डिजाइनर और जिन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी के हवाले से कॉन्ट्रीब्यूशन भी की रिगार्डिंग दिस शो और सायरा नसीम वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान तो जनाब हम आपकी मुलाकात करवाने लगे शफक हबीब और सायरा नसीम से जी कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूं एंड एज ऑलवेज माशाल्लाह यू लुकिंग गॉर्जियस थैंक यू जी थैंक यू मतलब आप जैसे इंसानों से मिलकर खुशी और जो एक दिल में बात आती हुई आती है कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही होता है जी मतलब देयर इज दैट लिटिल टच जो कि बहुत कुछ कह रहा है व्हिच इज वेरी प्रोमिनेंट इंडीड यस थैंक यू अरे शफक जी बताइए आपकी माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गए वैसे बिकॉज़ आज हम काम के अलावा जरा कुछ अजदवाजी जो है पहलू पे बात करें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरी शादी को जी 35 साल हो गए माशाल्लाह दैट्स 3.5 डेकेड्स व्हाट यू कामयाब शादी है अब मेरे ख्याल नौजवान कपल जो आपके उल्टे हाथ पे बड़े गौर से हम सुन रहे हैं उनको 6 साल हो गए हैं माशाल्लाह नहीं जी मैंने वक्त में इतना लिखवाया हुआ मैं गेट से लटक जाऊंगा आई लाइक दैट आई थिंक टू ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जो है वाकई वो एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी ताल्लुक में किसी भी रिश्ते में अगर आप उसकी कदर और उसकी इज्जत नहीं करते चाहे वो आपसे मतलब जिन रिश्तों में उम्र का फर्क होता है माँ बाप या बच्चों का या आपके बहन भाइयों का आई थिंक रिस्पेक्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट ट्रस्ट टू ट्रस्ट योर पार्टनर आपका शफक आमना आपका नादे आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आपने इतना वक्त निकाल के लेके आए आपने इट वाज रियली अ प्लेयर और वी हैड टू कम बहुत वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई जस्ट लाइक टू से दैट This shouldn't be done एक particular दिन I think इसको generally daily basis पे आपको promote करना चाहिए नहीं जी हम हर हफ्ते हमारा एक program होता है जिसमें हम एक शादी करा रहे हैं and that is a program हाँ कबूल है and we are doing it और ये हम regular basis पे कर रहे हैं और alhamdulillah it's gonna go you know long way अजनब सायरा नसीम जहाँ पे हों वहाँ पे मज़ीद आप लोगों को मुस्तफ़ीद ना किया जाए उनके टैलेंट से मेरा ख्याल है कि अगर हम सब वहाँ पे जाके बैठ जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा हम जरा कुछ तालियों में अगर कंट्रीब्यूट कर सके तो प्लीज प्लीज सब लोग और एक सायरा जी आपसे ब्रांड हमारा
तेरे नाम लागनिया बजा कोल 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 कुछ बोल 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 असा पक्या मुहब्बत पानिया माया बेरा ता चारनिया मैं तेरे नाम ला बांटते रहेंगे और उनको हम निभाते रहेंगे। मजीद कुछ गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे शामिल होने लगे हैं हमारे सल्ले गुल्ले में, हमारी सेलिब्रेशन में। वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री बहार बेगम साहिबा, that I'm in love with you already. Really? Wow. What a big news. I'm thrilled. Kaisi hai aap? ठीक ठाक है महाराज, खैरियत से? बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए यहाँ पे आए। हमारी जो कॉज है, जो ये एफर्ट है, इसके हवाले से हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों की जो सरपरस्ती है, जो आपकी शफकत है, ये उन बच्चों बच्चियों के लिए बहुत मायने रखती है। बहुत ज़्यादा। मैं खैर मुझे पता नहीं था कि ये, मैं सिंपली समझी कोई कोई रिकॉर्डिंग है अबाउट दिस मैरिज, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसे लगा कि मैं ओरिजिनल शादी में आई हुई हूँ और आई वॉज रियली थ्रिल्ड एंड हैप्पी अबाउट इट। आई वुड लव टू डू दैट विद ए प्लस है, क्योंकि इन्होंने ये इतनी बड़ी जुरत की हुई है। देव डन अ ब्यूटिफुल ओकेजन और मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे चैनल्स भी हैं जो बेइंतहा बच्चियाँ कोई किसी वजह से नहीं ये हो सकता, तो क्यों ना हाथ बढ़ाकर हम लोग सब मिलके उनका ये सब कुछ करें। आपको पता है सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लग रही है सारे के बारे में? जो वो जेन्युइनिटी है उस एक्सप्रेशन की, उस इमोशन की, जिसको वो कंट्रोल करके ये कहना चाह रही है। मेरी आवाज कांप रही है। थैंक यू सो मच, यू हैव नो आइडिया। मुझे फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के, मुझे फील हो रहा है, आवाज कांप रही है, आई फील लाइक क्राइंग। ऐसे भी हो सकता है? एब्सोल्युटली, आई कुड नेवर बिलीव। थैंक यू सो मच, आपका ये आना, आपका ये कहना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नहीं बेटा, आना जाना तो सब हम और भी जगहों पे फंक्शनों में जाते हैं, लेकिन ये स्पेशल ओकेजन वाकई A+ ने हैट्स ऑफ टू। थैंक यू सो मच, आपकी थपकी का बहुत शुक्रिया। जी, अब वो वक्त है जिस घड़ी का हर लड़की को इंतज़ार होता है, वो वक्त है जिसके बारे में हर वक्त आप सोचते रहते हो, आपके ख्वाब होते हैं हर लड़की के वो वक्त आए जब मैं अपने घर की बनूं, जब मैं अपनी पिया की हो जाऊं। तो निकाह का जो सिलसिला सुबह से हम अनाउंस कर रहे थे कि निकाह होने जा रहा है, इस वक्त अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें वो तमाम लोग जो कि लड़की वाले और लड़के वालों की तरफ से हैं, दो दो गवाह हैं, साथ उनके बहन जो भाई हैं,
रिलेटिव्स जितने भी साथ साथ आए हैं, रिलेटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं और हम अब इस वक्त उन चार खूबसूरत दुल्हनों को यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं जो कि रवाना हो चुकी हैं मेकअप रूम में से बिल्कुल तैयार। और नॉट टू फॉरगेट कि मौलवी साहब भी मौजूद है जिन्होंने ये सारा कारनामा सर अंजाम देना है। इनके बगैर हम बिल्कुल अधूरे अधूरे से होते। अगर आज ये मौलवी साहब ना हो तो हमारा ये काम ही ना होता। क्यों सर, मत व्हाट डू यू से? बहुत जरूरी है। आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो और स्माइल करें सब। हंसे खेले या टेंशन मत लें। आप सब देखिए आपके लिए कितने खुश हैं। सेनेट में बैठे हैं बोल रहा इजलास को। आप लोग यहाँ पे शादी हो रही है, छुआरे खाएंगे अभी हम। छुआरे खाएंगे ठीक है। और ये जैसा जो काम सिलसिला शुरू किया है प्लस ने, ये आपको सबको अच्छा लग रहा है? जरा तालियों से इजहार कर दें ये विदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हौसले बढ़ जाए ताकि हमारे ये जो मोहब्बत और प्यार का जो सिलसिला है, हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह हमारा हमेशा आगे बढ़ता रहे। इस वक्त जी वो घड़ी आ गई, आमीन। एक इस वक्त वो घड़ी आ गई है जब हम दुल्हनों को चाहेंगे कि दुल्हने इस वक्त यहाँ पर तशरीफ वेलकम कहेंगे यहाँ पे। जी आप जरा कैमरा उधर ले जाइए। ब्राइड्स आर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड लेट्स वेलकम। ढोलक की उस चीज में उनको वेलकम करते हैं दुल्हाओं को। वेलकम द ब्राइड ग्रूम। एक खुशी का मौका होता है वो साहब जो थे उन्होंने हमें स्पेशली मुझे सलाम करके देखी जी आप हमारे भाई हैं आप हमारी शादी में बने रहे तो हम लोग इसलिए जरा खुशी के साथ इनको लेके आए यहाँ पे। जी ये रोज अब अगला काम आपका है। अगला काम मेरा काम नहीं है। आप तो मौली साहब का काम है। अगला काम है जी मौली साहब का। मौली साहब का है जी। मिल जाते हैं लोग चलते हुए, जीवन की राहें बदलते हुए। कैसे बने हैं ये बंधन दिल जोड़ता ही चला, सब रास्ते प्यार के ये खोलता ही चला। रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है।